हेलो बच्चों, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा। लास्ट टाइम बच्चों हमने स्टैंडर्ड 12 पार्ट 1 केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज उसका हम पेज नंबर 211 टू 214 देखने वाले हैं लेक्चर 2 के तौर पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करें उसके पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, ठीक है, तो वो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, और इनर ट्रांजिशन हम एफ ब्लॉक को बोलते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें फोर सीरीज है हमारे पास, 3D, 4D, 5D एंड 6D, ठीक है। और इनर ट्रांजिशन यानी एफ ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज है, ठीक है, तो उसका हमने स्टडी किया था। साथ में ये सभी को यानी कि टेबल दिया गया है आपकी बुक में, ठीक है, उसको शॉर्टकट के तौर पे कैसे याद रखना है, ठीक है, वो बच्चों मैंने आपको अभी अभी एक वीडियो आपको भेजी हुई है, ठीक है, कि उसको कैसे फनी तरीके से हम याद रख पाए, ठीक है, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करें उसके पहले आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर, ओके, देख लेते हैं पहले, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देन वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड द एनिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें स्पेसिफिकली एटॉमिक रेडाई एज वेल एज द आयोनिक रेडाई हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोल देता हूँ, जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे शोज विच काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, दे शोज द मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ओके, विच आर द प्रॉपर्टीज, दैट इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी। अभी ये मत पूछिएगा ये सब क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप सबको पता ही होगा, ओके। देन मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, एंड द मेटेलिक लस्टर, ओके। नाउ देर आर फ्यू एलिमेंट्स, ओके, लाइक जिंक, मर्क्यूरी, मैंगनीज एंड कैडमियम, ओके, दे शो वन और मोर मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एट द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उनके, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उनके, ठीक है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर उनके हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस आर द एक्सेप्शन, ओके, विच यू हैव टू रिमेंबर इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, ओके। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जी नीट एमसीक्यू, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 में भी आ गया है ये पूरा टेबल, ठीक है, पर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आए थे कुछ एलिमेंट्स के, ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको साथ में दिया गया है, ठीक है। लेटाइल स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ओके, लेटाइल स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ओके। सो लेटाइल स्ट्रक्चर्स के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, देखो सबसे पहले स्कैंडियम के लिए आपको दिया गया है HCP एंड BCC, टाइटेनियम के दिया गया है HCP BCC, वेनेडियम के लिए दिया गया है BCC, क्रोमियम के लिए दिया गया है BCC,
CCP as well as the BCC, yes. Then manganese के लिए यहाँ पे X यानी specific, X यानी specific, okay. Then iron के लिए BCC, HCP, cobalt के लिए CCP, nickel के लिए CCP, copper के लिए CCP as well as zinc specific and HCP, okay. ऐसे ही आपको ये first transition series के लिए, ये second के लिए, ये थर्ड के लिए है, ठीक है. तो पूरा टेबल बच्चों हमें याद रखना है, ठीक है. जी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ द ट्रांजिशन मेटल्स विथ द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, ओके. ये एक्सेप्शन है, एमसीक्यू के तौर पे पूछ सकते हैं आपको. Then their melting and boiling points are high. अभी सबसे पहले melting point की हम बात करेंगे, ठीक है. तो उसमें आप एक diagram देख सकते हो, ठीक है. Graph दिया गया है कि जो कि trends पूरा है in melting points of the transition elements, ठीक है. ये किसके लिए है? Okay, trends in the melting points of transition एलिमेंट्स, ठीक है. तो एक ही मिनट, ओके. तो सबसे पहले आप देखो ग्राफ किसके वर्सेस किसका है, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर. द ग्राफ इज फॉर द मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर, जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपको दी गई है, ठीक है. टाइटेनियम, जिर्कोनियम एंड हॉफमैन वाली तीनों सीरीज आपको दी गई है, ठीक है. जिसमें आप देख सकते हो कि D5, ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है D5, ठीक है. D में आपको पता होगा बच्चों कितनी सबसेल्स होती है, फाइव सबसेल्स आर देयर, ओके. ये पांचों सबसेल कौन कौन सी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ठीक है. जैसे पांच जो सबसेल्स होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स समा पाते हैं, 10, ठीक है, मैक्सिमम. अगर उसमें पांच इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, तो वो हाफ फिल हो जाएगी और कैसी बन जाएगी, स्टेबल, ओके. वो हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. तो जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट डी हो और उसमें पांच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. ये चीज हमें याद रखनी. यहाँ पे देखो क्रोमियम का दिया गया है, ठीक है. अभी चलते आगे. द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the electrons in the interatomic metallic bonding, okay. और इसमें exception है d5, okay. Exception is mn and tc, okay. So they have high enthalpies of atomization which are shown in the figure, okay. The maxima at about the middle of each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction, okay. अभी डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे trends in the enthalpies of the atomization of the transition elements they have given, okay. First series के लिए, ठीक है, second series के लिए और तीसरी series के लिए, ठीक है. आप देख सकते हो डेल्टा ग्राफ इज फॉर द डेल्टा एच, ओके, वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है. इन जनरल द ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग. ये याद रख सकते हो आप बच्चों. सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द मेटल, मेटल्स विथ वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दैट इज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ओके.
टेंड टू बी अ नॉबल इन द रिएक्शंस। ओके, यानी जिसका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स, मेटल्स विद हाई एंथैल्पी, अगर उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत, एटोमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो वो नोबल रहेंगे, यानी इनर्ट इन नेचर। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स। ओके, अनदर जनरलाइजेशन दैट मे बी ड्रॉन फ्रॉम द फिगर, ओके, इज दैट द मेटल्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव द ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ द एटोमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट। यानी कि अभी यहां पर मैं लिख सकता हूं ऐसे, डेल्टा एच थ्री इज ग्रेटर देन डेल्टा एच टू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच वन। ओके, यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, देन टू एंड देन वन। ओके, कंपैरिजन विद द फर्स्ट वन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द अकरेंस ऑफ मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग इन द मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड दैट हैविंग द हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। हैवी ट्रांजिशन मेटल्स के लिए क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है, विच इज फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, अभी हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या है। द एटॉमिक रेडाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल लाई इन बिटवीन दोज ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी के बीच की होने वाली है डी के लिए, ठीक है। जनरली द एटॉमिक रेडाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन अ सीरीज, याद रखना है, सीरीज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर बट डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज इन स्मॉल आफ्टर मिडवे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, पूरे ग्राफ में, ठीक है, तीनों सीरीज आपको दी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों सीरीज का ट्रेंड्स आपको एटॉमिक रेडाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिया गया है, ठीक है, विच इज ऑन ईवन, ठीक है। अभी देखो एटॉमिक रेडाई के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। एक पहली सीरीज के लिए ही आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी के सब इसके जैसे ही है, ठीक है। तो अभी इसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जेड इफेक्टिव विच इज कॉल्ड एज एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो आप देखो स्कैंडियम से शुरू करके मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन द शील्डिंग इफेक्ट, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा है। कैसे, तो उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे स्कैंडियम का दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2, ठीक है, उसमें आप देखो प्लस चार्ज एट द सेंटर, ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी ओवर हियर ऑफ 3d, ये 3d का है, ठीक है, बाद में ये 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शील्डिंग इफेक्ट जो है, ठीक है, वो उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक जो 3d का इलेक्ट्रॉन है वो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन द शील्डिंग इफेक्ट। ओके, फिर बात करूं मैं FeCO एंड Ni, ठीक है, तीनों के लिए शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। एंड देन एट द लास्ट फॉर द कॉपर एंड जिंक आप देखोगे, ठीक है, तो उसके लिए जेड इफेक्टिव इज ग्रेट लेस देन शील्डिंग इफेक्ट, यानी शील्डिंग इफेक्ट वहां पे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, ठीक है, 3d10 4s2, और कॉपर का 3d10 4s1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका भी देखो डायग्राम ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 3d में 10 फर्स्ट ऑर्बिट जो है 3d वाली, ठीक है, 3d10 आर्गोन तो है ही, ठीक है, पर आर्गोन के बाद 3d10 जो है, ठीक है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर की ऑर्बिट जो है 4s2, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन है वो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को इजिली शील्ड कर पाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन द जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो ये है एटॉमिक रेडियस,
ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज अनइवन, ठीक है। देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी, ये तो बाद में आने वाला है, ठीक है, पर अभी आया है बीच में तो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अभी 4f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है, और 5d में 10, पर 5d में इलेक्ट्रॉन जाए उससे पहले 4f फुलफिल हो जाएगा। अभी आप देखो n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 5d में 5 होगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अभी यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, यानी ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या, सेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, जो भी आप बोलो, ठीक है। ऑर्बिट नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो साइज ऑटोमिक कम, ऑटोमेटिक आप देखो तो कम हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडाई व्हिच इज कॉल्ड एज अ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देन आयोनिक रेडाई देखेंगे तो इसका जो ट्रेंड है, ठीक है, वो एटॉमिक रेडाई जैसा ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, सेम ट्रेंड दे आर फॉलोइंग, ओके। आयोनिक रेडाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफरेंट इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो उनका आयोनिक ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, ठीक है, आयोनिक रेडाई भी कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। आयोनिक रेडाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके लिए एक एग्जाम्पल है, देखो ट्रेंड इज सेम एज लाइक द एटोमिक रेडाई, ठीक है। आयनिक रेडाई इज द डिफरेंट इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हमारी बात हो गई है। अभी आयनिक रेडाई इज डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ठीक है, देन द आयोनिक रेडाई इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आयोनिक रेडाई कम हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, M प्लस 2 केटायन इज ग्रेटर देन M प्लस 3 केटायन, ठीक है, याद रखना है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं स्केटी वेक्रो में आकोनिक हो जाइए, शॉर्टकट है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, ये सभी का अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दैट इज प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 वाले ये सब, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता जा रहा है साथ में आयोनिक रेडियस जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट द ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पूरा एक टेबल दिया गया है, ठीक है, यही चीज आपको सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मैंने अभी जो आपको समझाई प्लस टू वाले, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वन है, प्लस टू है, प्लस थ्री है, तीनों के लिए आपको ये दिया गया है, ठीक है, और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी आपको दी गई है, ठीक है। तो ये टेबल भी हमें याद रखना है फॉर जी नीट एमसीक्यू, ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।